चुनाव प्रचार तो जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई थी, लॉटरी 17 दिसंबर को निकली, उसके बाद हमने शुरू कर दिया। लेकिन नॉमिनेशन हो गए, सिंबल मिल गए, उसके बाद 9 तारीख को रात को हाईकोर्ट का स्टे आ गया। प्रचार हमने बंद नहीं किया, लगातार पूरे ग्राम पंचायत में समाज के गणमान्य व्यक्ति 36 कौम से हमने बातचीत की, गड्ढाणी गांव घर में जाके, और सबसे करबद्ध निवेदन किया कि भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ग्राम पंचायत 2GDP से, मेरा सहयोग करें, मुझे समर्थन करें। उसके बाद कारवां बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और मुझे पूरे ग्राम पंचायत से मेरी माताएं, मेरी बहनें, बुजुर्ग, मेरे जवान नौजवान युवा साथियों की टीम है एक यहाँ पर, जिनके लिए मैंने एक ग्राउंड तैयार करवा के दिया नज़दीक है फुटबॉल खेलने के लिए, बड़ा स्नेह मिला, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, और मुझे इतना आशीर्वाद मेरी बेटी बहन बेटियों से, माता से, बुजुर्गों से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है कि बेटा तू संघर्ष कर, हम तेरे साथ हैं। और इनका जो भरपूर प्यार और स्नेह जो मुझे मिल रहा है, मुझे आशा ही नहीं, मुझे उम्मीद से भी ऊपर कोई एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि जो ये प्यार है मेरे साथ रहेगा और मुझे एक ऐसी सूरज की किरण दिखाएंगे कि ताकि मैं यहाँ का मुझे लगता है कि मैं जो प्यार मिल रहा है इसके हिसाब से मैं सरपंच बनूंगा, 2GDP का अगर सरपंच बनूंगा, और सरपंच बनने के बाद में सबको एक नज़र से, और जो हमारा ग्राम पंचायत का 3GD में बहुत दलित गरीब परिवार है, दबा कुचला 36 कौम के लोग, दबे कुचले लोग हैं, उनकी सेवा करने की भावनाओं को लेकर आया हूँ। मैं इस दौरान 2-2.5 महीने घूमा तो मुझे ये लगा कि इस ग्राम पंचायत के साथ हमेशा ही पीछे 10-15 साल से जो समय निकला है सरपंचों का, एक सेशन निकला है, उसमें शोषण के अलावा कुछ नहीं हुआ, कुछ मिला ही नहीं, नरेगा का काम नहीं मिला, किसी को शौचालय के पैसे नहीं मिले, बनवा दिए लेकिन उनको पेमेंट नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो मकान मिलने चाहिए थे उनको जियो टैगिंग होगी, उनकी फोटोग्राफी होगी, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। वो लोग बहुत दुखी हैं, हमारे कई घरों में माताएं विधवा बहने, माताएं बहने हैं, उनके कागज ले लिए, 10-10 बार उन्होंने कागज दे दिए, उनकी विधवा कोटे में पेंशन का एक स्पेशल कोटा होता है, उसमें भी उनकी पेंशन नहीं बनी। तो मैं एक सोच के साथ आया हूँ कि जो ये दबा कुचला परिवार है इस ग्राम पंचायत का, इनकी मैं जी जान से और मेरी हैसियत से ऊपर उठकर इनकी सेवा करूँ, और सेवा करने की भावना से इस ग्राम पंचायत में आया हूँ। हमने सुना है इस बार आपने भूमि भी दान की है। देखो 35-40 साल से जब से ये गांव बसा है, मेरे भी ये समझ में जब आई बात, जब 2-4 बुढ़े बुजुर्ग यहाँ से इन मतलब गुजर गए, उनके संस्कार में मैं नई मंडी मोक्ष धाम में गया था, तब हमने विचार किया कि ये इस चीज़ की यहाँ ये इस गांव की मूल मेजर समस्या है। लेकिन जब हम गांव में आए आज से 15-20 दिन 25 दिन पहले, तो हर गांव में बूढ़े बुजुर्ग ने, माताओं बहनों ने कहा कि भाई आप सरपंच का चुनाव तो लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ की जो बड़ी समस्या है वो जितने भी आज तक सरपंच बने उन्होंने कोई हमारी हल नहीं की, हमारे साथ वादा किया है लेकिन वो चीज़ हमें मिली नहीं। तो हमने कहा बताओ आप क्या चीज़ नहीं मिली, उन्होंने कहा जी हमारे मोक्ष धाम नहीं है, शमशान भूमि की जगह नहीं है। तो हमने हमारा जो मेरे सपोर्टर हैं, मेरे साथी लोग हैं, जो आज हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी ताकत है मेरे साथ। हमने विचार किया कि जितने सरपंचों ने आज वादे किए और वादे करके ये चीज़ इनको नहीं दी, मोक्ष धाम नहीं दिया, तो हम एक विचार करके हमने कहा, हमने रेडियो से अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो चीज़ पूर्व सरपंचों ने या गांव के मुखिया लोगों ने नहीं दी शमशान भूमि, उसको हम चुनाव से पहले, पोलिंग से पहले आपको 5 या 10 दिन पहले आपके ग्राम पंचायत का नाम रजिस्ट्री करवाएंगे, और गांव के मुखिया लोगों की कमेटी बनाओ जो हमें सहयोग करे, और उसमें उनमें उनकी भागीदारी बने उसमें। तो हमने ये घोषणा की कि हम आपको मोक्ष धाम के लिए 1 बीघा जमीन, मेरी जमीन तो है नहीं यहाँ पर, किसी किसान से खरीद के उसकी रजिस्ट्री करा के ग्राम पंचायत के नाम करवा के यहाँ के मुख्य लोगों को मैं सौंपूंगा। ये मैं वादा नहीं किया, मैंने ये भी कमेंटमेंट किया, ये भी लोगों से कहा है कि मैं ये चीज़ आपको देऊंगा, हार जीत जितू हारूँ मेरा भाग्य है, लेकिन मैं वो चीज़ दे रहा हूँ, सड़क टूट जाती है, खड़बंजा टूट जाता है, नाली टूट जाती है, मकान की उम्र 50 साल होती है, लेकिन ये मोक्ष धाम जब तक रहेगा जब तक धरती पे मानव जीवन रहेगा और सूरज चांद रहेंगे, हम आप और हम तो चले जाएंगे, मैंने ये कहा, लेकिन आप पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप मुझे जिताओ, भाग्य मेरा है, मेरे साथ रहेगा। और जब इतने लोगों को मुझे प्यार मिल रहा है तो आज मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी उसका लेवल बढ़ गया है, 90% से ऊपर चल रहा है कि मेरा इतना प्यार मिल रहा है मुझे इतना शौक कर रही है मेरी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग युवा साथी सतपाल जी जैसे मेरे साथ लगे हुए हैं, और गांव के युवा टीम है वो मेरे साथ लगी हुई है,
मेरे यहाँ बहनें हैं 150-200 जिनका ग्रुप है, वो मेरे साथ लगे हुए हैं। उनको मैंने गिफ्ट के रूप में टिफिन और थर्मस भी दिया है 5-4 दिन पहले, प्रत्येक मेरी बहन को उनका मान सम्मान किया है कि अभी बहन आप हाथ जोड़ के मिलते हैं, आप मेरे आशीर्वाद दें। उन्होंने मेरे को भरपूर आशीर्वाद दिया। उसमें कुछ बूढ़ी माताएं थी हमारी, उन्होंने मेरे बेटा बना के प्यार दिया, बेटा तेन वोट देवांगे। मैंने झोली फैला के मांगा है कि कणक को जो बोल है ना, पहले रेड़ी लेता तो थोड़ी सी रेड़ी इधर भी डाल देना, कणक में से एक मुठ्ठी इधर डालना। सबने कहा नहीं, तेरी झोली भर देंगे हम। होली पर्व को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम इलाकेवासियों को? मैं वैसे तो पूरे प्रदेश को ही होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि देशवासी, हमारा देश डेमोक्रेटिक देश, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो होली सब धर्मों के लोग, 36 कौम के लोग, सिख, ईसाई, मुसलमान सब मनाते हैं। इसलिए मैं उनको मेरी तरफ से और इस पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से, जो गांव के मुखिया लोगों की तरफ से, पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं कि सब खुशहाल रहें, देश का विकास हो। और इसके साथ साथ ग्राम पंचायत जो मेरा परिवार है, मैं कहना चाहता हूं कि सारे लोग खुशहाल रहें और भरपूर तरीके से रंगों का जो त्यौहार है होली को मनाएं।